नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आइए अब देखते हैं 40 सीट 40 हेडलाइन। मिशन 29 में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा की छिंदवाड़ा में जनसभा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा 2014 से पहले आए दिन आतंकियों के हमले होते थे, इन 10 साल में दुनिया में भारत का दबदबा देखा। जेपी नड्डा ने कहा पिछला 10 साल विकास का साल रहा। 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा में होना है मतदान। छिंदवाड़ा की रैली में सीएम मोहन यादव ने भी की शिरकत। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम मोहन ने कहा 28 तक पहुंच गए थे, सिर्फ छिंदवाड़ा रह गए थे, इस बार छिंदवाड़ा भी जीतकर 29 पूरे करेंगे। सीएम मोहन ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा यहां के स्थानीय लोगों का एक परिवार ने रास्ता रोका, छिंदवाड़ा से कभी किसी और को मौका नहीं मिला। छिंदवाड़ा से पहले जेपी नड्डा ने सीधी में जनसभा की। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला। जेपी नड्डा ने मीसा भारती के बयान पर कहा जीवन भर देश की सेवा करने वाले पीएम मोदी को ये लोग कह रहे हैं अपशब्द, इनके भीतर दिख रही है हार की बौखलाहट। सीधी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी, कांग्रेस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी सहित कुल 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी की सीट पर खास नजर है। डॉक्टर राजेश मिश्रा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी यहां अपने तमाम स्टार प्रचारकों की रैलियां करा चुकी है। कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल यहां बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के किसी स्टार प्रचारक की यहां कोई रैली नहीं हुई। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में नॉमिनेशन रूम बनाया गया है, जिसमें तमाम तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई। बिलासपुर में लोकसभा चुनाव में नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए ₹25,000 लेकर आया प्रत्याशी। अधिकारियों ने प्रत्याशी को वापस किया। तीसरे चरण के लिए बिलासपुर में शुरू हुआ है नामांकन। प्रत्याशी नीलेश मिश्रा ने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव में भी वो ₹10,000 के सिक्के लेकर आया था। नेता प्रतिपक्ष और गांधवानी विधायक उमंग सिंघार के निर्वाचन को चुनौती देने की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह में जवाब मांगा। बीजेपी प्रत्याशी सरदार सिंह मीणा ने उमंग सिंघार के खिलाफ याचिका लगाई, जिसमें मतदाताओं को प्रलोभन देने और नाम निर्देशन पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया और उमंग सिंघार का विधानसभा चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की गई। कांकेर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बयान पर पलटवार किया। अरुण साव ने कहा कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, जिसके चलते उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि खालिस्तान, पाकिस्तान, नक्सलियों जैसी कांग्रेस की सोच है। रीवा में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। रीवा में पुलिस को 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 पिस्तल, 4 कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे मामले में 4 से 5 लड़कों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट पर है और लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्नीस अप्रैल को पहले चरण में छत्तीसगढ़ की एक सीट पर मतदान होना है और ये सीट है छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जिन 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें से एक बस्तर भी थी और यही वजह है कि यहां एक तरफ जहां कांग्रेस फिर बस्तर को जीतने का दम भर रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है और इस दिन प्रदेश के बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होना है। ये सीट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना सुरक्षा बलों और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि सुरक्षा बल भी लगातार लाल आतंक को मात देते नजर आ रहे हैं। जांजगीर चांपा में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के इन 7 सीटों के लिए 19 अप्रैल तक नामांकन लिए जाएंगे। वहीं 20 अप्रैल को स्क्रूटनी, तो 22 अप्रैल तक दोपहर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे।
सतना में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हो चुके हैं। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह के पक्ष में प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सतना के बरौंधा में सभा को संबोधित करेंगे। 13 अप्रैल को ये सभा होगी। मुख्यमंत्री इस महीने में सतना का चौथी बार दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में हुए सड़क हादसे में बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि कार के ब्रेक के नीचे बियर का केन आ गया था, जिसके चलते समय पर गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। आज से लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर सहित 7 सीटों पर मतदान होना है। यहां नामांकन प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के लिए 2251 पोल बूथ बनाए गए हैं और 10,000 कर्मचारियों की इलेक्शन ड्यूटी लगाई गई। मध्य प्रदेश में नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज बीजेपी में पूर्व विधायक पारुल साहू, शेर सिंह यादव, अमित सक्सेना बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन भी वहां मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ लोकल लीडर्स को आगे नहीं आने देते हैं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया है, बाहर का व्यक्ति बाहर जाएगा और स्थानीय नेता सांसद बनेगा। युवा कांग्रेस के नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह आज अपना पदभार संभालेंगे। इसी सिलसिले में मितेंद्र दर्शन सिंह 50 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ ग्वालियर से भोपाल की तरफ निकले थे। पुलिस ने उन्हें आचार संहिता का हवाला देकर इतनी गाड़ियां ले जाने को लेकर थोड़ी गर्माहट हुई, लेकिन बाद में ठीक हो जाने पर उन्हें आगे जाने दिया गया। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।